ये हलवा जो आप इतना स्वाद लेकर खा रही थी ना, इसमें हमने वो हार्ट अटैक की दवाई मिलाई है जिसके दम पे आपने माजी को अपना मोहरा बनाया था। कि सिर्फ 15 मिनट है आपके पास, मरने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो क्या, तो वेदांत जी को अपना सारा सच बता दीजिए। सुहागन सीरियल में फिलहाल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारी स्वरा की मौत हो चुकी थी। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे थे कि किस तरह से कोयल जो है सांप लेकर आती है स्वरा को कटवाने के लिए, और यहाँ पर वैसा ही होता है। यहाँ पर स्वरा को सांप काट भी लेता है और यहाँ पर स्वरा पैरालाइज्ड हो जाती है, और डॉक्टर्स भी मिले हुए हैं हमारी कोयल से, जिसकी वजह से ये हलवा जो आप इतना स्वाद लेकर खा रही थी ना, इसमें हमने वो हार्ट अटैक की दवाई मिलाई है जिसके दम पे आपने माजी को अपना मोहरा बनाया था। कि सिर्फ 15 मिनट है आपके पास, मरने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो क्या। इस बार स्वरा को मरा हुआ साबित कर चुके हैं सब लोग, मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, जिसे सुनने के बाद भाई वेदांत बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि स्वरा उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। यहाँ पर सभी घर वाले भी टूट चुके हैं ये जानकर कि भाई स्वरा अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वही आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर स्वरा की अंतिम संस्कार चल रही है। जी हाँ, यहाँ पर स्वरा की चिता सज रही है, और इसी बीच यहाँ पर हमारा वेदांत जो है सारे रिचुअल्स को करते हुए दिखाई दे रहा है, और इसी बीच यहाँ पर वेदांत इतना टूट चुका है, इतना बिखर चुका है कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई स्वरा उसे छोड़कर चली गई है। और यहाँ पर वेदांत को जैसे ही चिता को अग्नि देनी होती है तो वो इतना ज्यादा डर जाता है, इतना सहम सा जाता है कि भाई उससे हिम्मत ही नहीं जुटा पाता स्वरा को आग देने के लिए, और इसी बीच यहाँ से वो चला जाता है। लेकिन कोयल इस रिचुअल को रुकने नहीं देती, और उसने ठान लिया कि भाई अब इतनी दूर आके, जीत के इतने करीब आकर वो हार नहीं सकती, और वो हमारी स्वरा को जिंदा जलाने वाली है। और इसी के साथ हम देखेंगे कि वो श्लोक को आग देने के लिए कहती है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखने वाले कि भाई यहाँ पर स्वरा को बचाने का एक बड़ा सलूशन मिल गया है वेदांत को। जी हाँ, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई वेदांत के पास एक बाबा आते हैं और वो बताते हैं कि मुझे वो सांप मिला जो तुम्हारे घर में था, और वो बताते हैं कि कोई इंसान को अगर वो सांप काटता है तो वो इंसान सिर्फ पैरालाइज्ड होता है, और 3 से 4 घंटे के बाद ही उसकी मौत होती है, और अगर उससे पहले बचा लिया जाए और उसका कोई तोड़ मिल जाए तो वो इंसान को बचाया जा सकता है। और यहाँ पर वेदांत को जैसे ये बात पता चलती है तो यहाँ पर वेदांत निकल पड़ा है अपनी स्वरा को बचाने के लिए। यहाँ पर चिता में आग लग गई है, लेकिन वेदांत जलती चिता पर हाथ डालेगा और अपनी स्वरा को बचा लेता है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई बाबा भी हमारी स्वरा की जान बचा लेते हैं, और कहानी के आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई इस बार स्वरा जो है कोयल की सच्चाई सामने लाएगी। जी हाँ, इस बार वेदांत भी मान जाएगा और रुद्र भी मान जाएगा कि भाई कोयल की असलियत क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्वरा एक बड़ी प्लानिंग के साथ सामने आएगी, जिसकी वजह से बहुत जल्द यहाँ पर कोयल की छुट्टी होने वाली इस घर से। लेकिन वो प्लानिंग क्या है ये तो आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा।